नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अचीवमेंट में। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी लघु चित्र शैली का एक छोटा सा विवरण, जिसके बिहाफ पर हम 15 से 20 मिनट में अपने इस चैप्टर को कवर कर लेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे, क्योंकि 27 में हमारा एग्ज़ाम है। तो हम कोशिश करेंगे कि 27 तक अपने सभी चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लें और उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को याद कर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहाड़ी लघु चित्र शैली। लघु चित्र के बारे में मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज़ कराऊँगी आपको। छोटे आकार के चित्र जिनको ताड़पत्र, कपड़ा, कागज पर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जाता था, क्योंकि इससे पहले जो चित्र बनते थे वो गुफाओं पे दीवारों पर बनते थे, जो ज़्यादा जगह कंज्यूम करते थे। और लघु चित्र शैली की शुरुआत हुई थी पाल शैली से, फिर उसके बाद अपभ्रंश शैली में लघु चित्र बने और उसके बाद राजस्थानी शैली में लघु चित्र बने, जिसकी शुरुआत हुई मेवाड़ राज्य से और कौन से केंद्र पर, उदयपुर पर। उसके साथ ही साथ पहाड़ी लघु चित्र भी बनने शुरू हुए 17वीं शताब्दी में, और कहाँ पर शुरू हुए, बसोली राज्य में। में यानी कि 17वीं शताब्दी बोला जाएगा इसको, लगभग खत्म ही हो रही है 17वीं शताब्दी और 18वीं का आरंभ हो रहा है, तो बसोली राज्य में ये शुरू हुई। और इसके बाद गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल, कुल्लू, ये सारे केंद्रों पर ये शैली आगे बढ़ती गई। इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर में भी इस शैली के कुछ चित्र मिले, नूरपुर, मनकोट, नालागढ़, पंजाब के मैदानी भाग भी इसके उपकेंद्र हो गए। अब बात कर लेते हैं कि पहाड़ी शैली में क्या विशेषता थी। तो इसका हिमालयी परिवेश यानी कि पहाड़ों वाला परिवेश, गोलमटोल चेहरे, अर्ध चंद्राकार ललाट, ललाट होता है बेटा माथा, और बड़ी बड़ी आँखें, गहरी झील के समान, और सामान्य कदकाठी, ये सारी प्रमुख विशेषताएं रही हैं बसोली या फिर पहाड़ी लघु चित्रों की। तो 17वीं शताब्दी में बसोली लघु चित्र शैली में इसका प्रादुर्भाव हुआ। औरंगजेब ने अपने दरबार से चित्रकारों को निकाल दिया। औरंगजेब शासक थे जो कि कट्टर मुस्लिम थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, और इन्होंने जब अपना कार्यभार संभाला तो इन्होंने सारे चित्रकारों को या तो दरबार से निकलवा दिया या तो मरवा दिया। तो चित्रकार अपनी जान बचाकर लौटे और कहाँ, पहाड़ों पर जाकर छुप गए। पहाड़ी शासकों ने उनको शरण दी और उनसे चित्र बनवाए, और उन्हीं के बनाए गए चित्र पहाड़ी लघु चित्र कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी शैली पर सर्वाधिक प्रभाव रहा किसका, मुगल लघु चित्र कला का, क्योंकि मुगल चित्रकारों के द्वारा इस कला को आगे बढ़ाया गया। ये थी बसोली की पहचान, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर बसोली में चित्र बने। और किन विषयों पर चित्र बने, तो वो थे रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद, रागमाला, ये प्रमुख विषय थे जिन पर चित्र बने। इस शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो अधिकतर वर्गाकार बने हैं, और इसकी पृष्ठभूमि पर इमारतों का निर्माण किया गया है, जो कि एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला इमारतें हैं। राजस्थानी शैली में जो लघु चित्र बने हैं उनकी पृष्ठभूमि पर कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी भवन, महल नहीं दिखाया गया है, लेकिन पहाड़ी कला जो कि राजस्थानी शैली से थोड़ी सी उन्नत थी, इसके अंदर बैकग्राउंड में पीछे भवनों को या राजमहलों को, बाग बगीचों को दिखाया गया है। दूसरा नंबर है गुलेर चित्र शैली का। तो इस शैली में नारी सौंदर्य बहुत अच्छे से अंकित किया गया है। सबसे बढ़िया चित्रकार संपूर्ण पहाड़ी कला में अगर देखे जाएं तो गुलेर राज्य में ही थे, और फिर गुलेर राज्य से चित्रकार निकल के आए, जो कि जिनको शरण दी राजा संसार चंद ने, जो कि शासक थे कांगड़ा के, और कांगड़ा गुलेर राज्य का ही एक दूसरा भाई राज्य कह लो, जैसे कि दो भाई हुए
तो उनमें से एक ने एक जगह का राजपाट संभाला और दूसरे ने दूसरी जगह का। तो इसी तरह से दो भाई थे, एक ने गुलेर राज्य का राज्यपाट संभाला और दूसरे ने कांगड़ा का। तो गुलेर राज्य के जो चित्रकार थे उन्होंने कांगड़ा शैली में जा करके काम किया और बहुत सुंदर चित्रांकन किया। जिस तरह से हम संपूर्ण राजस्थानी शैली में कहते हैं कि सबसे सुंदर चित्र किशनगढ़ में बने हैं, उसी तरह से अगर हम संपूर्ण पहाड़ी कला की बात करते हैं तो सबसे सुंदर चित्र किशनगढ़ शैली में बने हैं। और किन्होंने बनाए हैं? गुलेर चित्रकारों ने। तीसरा पॉइंट कांगड़ा, जो कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और इसके अंदर जो याद रखने का नाम है वो है राजा संसार चंद का, जिन्होंने इस कला को शिखर पर पहुंचाया। और इस शैली के प्रमुख विषय थे रसिक प्रिया। किसने लिखी है? केशव दास ने लिखी है। ये यहाँ के चित्रकारों का प्रमुख विषय था। इसके अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं तो चित्रित की ही गई हैं, चाहे वो पहाड़ी कला हो चाहे वो राजस्थानी कला हो। इसमें नायक के रूप में, नायक यानी कि अभिनेता या फिर हीरो के रूप में दिखाया गया है श्री कृष्ण को, और हीरोइन के तर्ज पे दिखाया गया है राधा जी को। इसके बाद दोस्तों, इसके शैलीगत विशेषताओं की बात करें तो सबसे सुंदर धूमिल रंगों का प्रयोग किया गया है कांगड़ा शैली में। यहाँ की रंग योजना बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने वाली है। सुंदर हाशियों से चित्रों को सजाया गया है। बेटा हाशिए क्या होता है? हाशिया होता है कोई जैसे कि एक पूरा पेपर, और उस पेपर पे हम चारों तरफ बॉर्डर बना दें तो वो कहलाता है हाशिया। हाशिए यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। और हाशिए को चित्र में लेकर कौन आया? तो मुगल चित्रकला की देन है, क्योंकि सबसे पहले हाशिए मुगल लघु चित्र शैली में बनने शुरू हुए थे। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेंड्स चंबा लघु चित्र शैली। तो चंबा में बहुत सुंदर स्त्री आकृतियां बनी हैं, बहुत सुंदर लघु चित्र बने हैं, और मेन बात है लाल और नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग चंबा लघु चित्र शैली में किया गया है। नेक्स्ट है गढ़वाल लघु चित्र शैली। तो यहाँ पर जो चित्र है वो गुलेर के समान बनाए गए हैं, लेकिन गढ़वाल शैली में एक बात है कि यहाँ पर जो महिला या पुरुष हैं उनके माथे पर चंदन के आकार का टीका लगाया जाता था। ये गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषता है। ऐसा बाकी किसी भी लघु चित्र शैली में, संपूर्ण पहाड़ी में कहीं पर नहीं होता। हर शैली की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। बेटा मंडी लघु चित्र शैली अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान जो सिलेबस कम हुआ है उसके अंदर ये मंडी लघु चित्र शैली भी अभी आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं पहाड़ी शैली के लघु चित्रों का अध्ययन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ी शैली में सिर्फ दो चित्र हैं जो आपके सिलेबस में हैं, बाकी चित्र अब आपके सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला चित्र है गोपियों संग कृष्ण। इस चित्र को अच्छे से आप देख लेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि श्री कृष्ण के साथ सात जो महिला आकृति हैं चित्रित की गई हैं, जिसमें कि सात आठ महिला आकृतियों को चित्रित किया गया है। बैकग्राउंड पीला है, पीछे घने वन हैं जिसको रंग बिरंगे कलर से दिखाया गया है। सभी श्री कृष्ण का जो देह का रंग है वो नीला है। उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं, सर पर मुकुट है, पीताम्बर धोती उन्होंने पहनी हुई है, और एक जो महिला है वो उनके पैरों को साफ कर रही है, शायद पानी की मदद से साफ कर रही है। दो जो गोपियां हैं वो उनके दाएं और बाएं खड़ी हुई हैं। एक दासी जिसके हाथ में चंवर है वो लेकर के खड़ी हुई है, और जो दूसरी चंवर लेकर जो दासी खड़ी है उसके साथ राधा है जो कि श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है, और बाकी की गोपिकाएं आपस में बात करती हुई प्रतीत हो रही हैं। लाल नारंगी रंग से इसका बॉर्डर या फिर हाशिया बनाया हुआ है। चित्र का नाम है गोपियों संग कृष्ण, चित्रकार हैं मनकू। कागज पर जल रंग से बनाया गया है। बशोली शैली का चित्र है, टेम्परा तकनीक में बनाया गया है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र सुरक्षित है। याद करने वाली बात सिर्फ यही है कि बशोली शैली का चित्र है गोपियों संग
कृष्ण, जिसके अंदर 8 महिला आकृति हैं और 1 पुरुष आकृति है जिसको श्री कृष्ण के रूप में संबोधित किया गया है। जितने भी लघु चित्र आप अपने फर्स्ट टर्म सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं, अगर आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। टेम्परा तकनीक के बारे में भी बच्चों मैंने इससे पहले आपको बताया है। टेम्परा तकनीक होती है जब हम किसी भी रंग में सफ़ेद या काला, काले से मेरा मतलब है गहरा रंग, भूरा या नीला मिला देते हैं और रंग को अपारदर्शी बना देते हैं, तो वो कहलाती है टेम्परा तकनीक। तो इस चित्र के चित्रकार मनकू हैं। ये सारी इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने डिस्क्राइब किया है वही होगा। 1730 में बना है। नीले वर्ण से कृष्ण को यमुना के तट पर गोपियों के साथ नाचते गाते दिखाया है। गले में मोतियों के हार श्री कृष्ण ने पहने हैं। सर पर सुसज्जित मुकुट है। बड़ा सा मोर पंख उन्होंने लिया हुआ है। कमर के नीचे पीले रंग की धोतियाँ हैं। गोपियों ने रंग बिरंगे पारदर्शी परिधान पहने हुए हैं। एक गोपी नीचे बैठकर गर्दन झुकाए कृष्ण के पैरों को सहला रही है। सभी के चेहरे समान रूप से सुंदर व बड़ी आंखों वाले हैं। उनकी भौहें धनुषाकार हैं, पर्याप्त गुलाई लिए बनी हुई हैं, नुकीली नाक है। दाहिनी ओर हाथ जोड़े राधा खड़ी हैं, साथ में उनकी परिचायिका छाता लिए हुए खड़ी हैं। उनकी मुखाकृति व परिधान भी अन्य आकृतियों के समान ही दिखाए गए हैं। पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध विविध रंगों वाले वृक्षों को दिखाया गया है, जिनकी पत्तियों को अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि को हल्के सिंदूरी रंग से चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, चित्र को देख के मैं ये सब डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। दोस्तों, दूसरा चित्र है इसमें आपका नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। आप पहाड़ी शैली में आपके सिर्फ ये 2 ही लघु चित्र हैं, तो चित्र को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें एक नदी है, नदी का किनारा है, तो नदी देखकर हम समझ जाते हैं ये यमुना नदी होगी। यहाँ पर नीले वस्त्रों में बलराम खड़े हैं, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और नीले शरीर जिनका अंकित किया हुआ है चित्रकार ने, वो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने लंबी घुटनों से लंबी एक सफ़ेद रंग की माला, जिसको वैजयंती माला बोलते हैं, पहनी हुई है। पीले रंग की धोती पहनी हुई है। सर पर मुकुट है। और इसके अलावा गांव के कुछ लोग उनके साथ यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। कुछ आकृतियाँ यमुना में तैर रही हैं। पास ही दाएं और बाएं 2 वृक्ष हैं और बाएं तरफ वाले वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। आसमान में बहुत सारे बादल और पीछे दूर मथुरा नगरी दिख रही है। तो चित्र का नाम है नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। ये कांगड़ा शैली का चित्र है, टेम्परा तकनीक में बना हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और इसके चित्रकार हैं नैनसुख। और ये चित्र भी कागज पर बना है जल रंग की सहायता से। इसका समय है 1785 से 90 ईस्वी। इस चित्र के बारे में अगर हम बात करें तो वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, नैनसुख ने बनाया है चित्र को। 85 से 90 डिटेलिंग सारी बता दी है, फिर भी अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो देख लीजिए। 13 मानव आकृति दिखाई गई है। 3 को यमुना में तैरते हुए दिखाई गई है। शेष आकृति नदी के उस पार अलग अलग मुद्राओं में खड़ी हुई है। विविध रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। कृष्ण को नीले रंग में दिखाया गया है, अर्धनग्न है। शरीर के निचले भाग में पीली धोती पहनी हुई है। गले में फूलों का बड़ा हार पहना हुआ है। सर पर सुनहरा मुकुट है। बादलों के बीच में वृंदावन की सुनहरी इमारतें झांक रही हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बने रहें एग्ज़ाम अचीवमेंट के साथ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स।